इस समय निफ्टी में आज क्लोजिंग फिर से एक बार को नेगेटिव ही देखने को मिली। अभी भी स्ट्रेंथ यहां पर लौट कर नहीं आ रही, और उसके पीछे की वजह है कि इस समय आरबीआई की पॉलिसी की मीटिंग स्टार्ट हो गई है। अगर देखा जाए तो आउटकम में ये एक्सपेक्टेशन जरूर लगाया जा सकता है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा हॉकी स्टोन रहेगा और साथ ही थोड़ी सी लिक्विडिटी टाइटनिंग हो सकती है। और चूंकि इंटरनेशनल रीजंस यहाँ पर ऐसे रहे हैं कि जिसकी वजह से मार्केट में अभी भी गिरावट का ट्रेंड कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। और आज निफ्टी निगेटिव ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद निफ्टी ने लो बनाया 19,350 का, और ज़्यादातर ट्रेडर्स यहाँ पर सेल जोन की स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आए। मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम पर रिकवरी जरूर दी, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस रिकवरी में नहीं देखने को मिल रहा। अब एक्सपायरी का चूंकि कल दिन है, तो कल के दिन भी निफ्टी में अभी वोलेटिलिटी हाई रह सकती है। आज की क्लोजिंग पे एक बार नजर डालें तो निफ्टी 100 पॉइंट डाउन नीचे बंद हुआ, और साथ ही सेंसेक्स क्लोज हुआ लगभग 65,000 के पास, 350 पॉइंट डाउन क्लोजिंग रही। और बैंक निफ्टी में क्लोजिंग रही 44,000 के पास, 390 पॉइंट का। ओवरऑल अगर पूरे पैक को कंपैरिजन करें तो सिर्फ एक सेक्टर ही यहां पर पॉजिटिव रहा, जो कि आईटी सेक्टर रहा। बाकी सभी सेक्टर में जबरदस्त गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला, खासतौर से फाइनेंस, बैंक, रियल्टी, पावर, पीएसयूज और पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में भी गिरावट का ट्रेंड ही देखने को मिला। एक बार टॉप गेनर और लूजर को देखें तो नेस्ले, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आइशर मोटर, ये ऐसे काउंटर रहे जो कि गिरते मार्केट में भी बढ़त के साथ बंद हुए और लगभग 2% से 1.5% की क्लोजिंग पॉजिटिव करने में कामयाब रहे। लूजर साइड से देखते हैं तो एक्सिस बैंक, एसबीआई, सेल, इंडसइंड बैंक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, और इनकी गिरावट 4% से लेके 2.5% से ज्यादा की यहां पर देखने को मिली। एनटीपीसी, मारुति भी इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नजर आए। अब इस समय फ्यूचर डेटा को अगर एनालिसिस करते हैं तो वाई डेटा खास तौर से पुट साइड से अगर देखते हैं तो 19,200 की स्ट्राइक में अच्छा खासा वाई यहां पर बढ़ा है। कॉल साइड से जो शिफ्टिंग हुई है वो 19,500 की कॉल स्ट्राइक पे अब शिफ्टिंग हुई है, तो ये एक मोटा मोटा रेंज यहाँ पर नजर आ रहा है। फिलहाल निफ्टी अभी वीक है, ज़्यादातर इंट्राडे चार्ट पर भी अभी सेल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। चाहे मूविंग एवरेजेस देख लें, एमएसईडी देखें, विलियम्स देखें या फिर आरएसआई को देखें, तो अभी ये इंडिकेटर सेल जोन ही यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं। और इस समय निफ्टी का इमीडिएट अगर रेजिस्टेंस देखते हैं तो 19,500 और 550 ये यहाँ पर रेजिस्टेंस निकल कर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही सपोर्ट की बात करें तो वापस जो पुल बैक आया उसमें 19,380 एक पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, और दूसरा सपोर्ट देखते हैं तो 19,300 का दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। फिलहाल क्लोजिंग सेशन में रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन अभी भी निफ्टी का ट्रेंड डाउन है और 19,200 तक के लेवल टेस्ट होते हुए इस क्रम में नजर आ सकते हैं। और कल का जो सेशन होगा उसमें भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर ही हावी हो सकता है, और एक्सपायरी के बाद यानी कि फ्राइडे तक अभी निफ्टी में गिरावट का ही ट्रेंड दिखाई देगा। अगर कोई पुल बैक दिखता है तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देगा।